मरीज के सिर्फ शरीर का इलाज करना काफी नहीं, उससे भी बदतर बीमारियां हमारे समाज में। जो डॉक्टर जमीन से जुड़ा हुआ होता है वो ये समझ सकता है, ऐसा कह सकता है। हाँ स्नेहा। हाँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। कल सबके सामने मैंने जो कुछ भी कहा शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। स्नेहा बेटा, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, और माँ से माफी क्या मांगना। एक पल से ज्यादा कौन सी माँ अपनी औलाद से नाराज रह सकती है। भूल जा, रात गई बात गई। पर फिर भी माँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ बातें हम साफ साफ कर लें। माँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ अर्जुन से, मगर मगर क्या स्नेहा? बेटा, तेरा काम ऐसा है जो ना दिन देखता है ना रात, वो तो थमने वाला है नहीं, बढ़ता ही जाएगा। बेटा, तुझे कोशिश करके अपने आप के लिए वक्त निकालना होगा। माँ, मैं भी आपको यही समझाना चाह रही हूँ, सब कुछ हो जाएगा अपने सही समय। सच देख बेटा, अब हम खुलकर बात कर ही रहे हैं, तुम्हें बताओ मुझे किस बात का डर है। कौन सा डर माँ? बेटा, मैं एक बेटी खो चुकी हूं। भगवान ने सीमा को अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरी इस बेटी को मैं जीते जी नहीं खोना चाहती। मैं आपकी बात समझती हूं। सीमा को खोने का गम हर पल का साथी है मेरा, वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। मगर खुद को भूलने के लिए तैयार है? ये कैसा काम है तेरा बेटा, जुनून बन गया है तेरे लिए। माँ, हम सबका जीवन बहुत आसान है, हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, मगर हमारे जैसे लोग इस देश में बस दाल में नमक के बराबर ही है। वो क्या कहना चाह रही है? माँ, उन लोगों का क्या जिनके पास साधन तो छोड़ो उम्मीद रखने की भी हैसियत नहीं है। गरीबी सिर्फ हमारी सबसे बड़ी बीमारी ही नहीं, बहुत बड़ा श्राप भी है। देख स्नेहा, मेरी इस बात को तू रुमाल में गांठ की तरह बांध ले, जिसका काम उसी को साधे। तू डॉक्टर है, मरीजों का इलाज कर, गरीबी का इलाज करना तेरे बस की बात नहीं है, सरकार है उसके लिए। अगर माँ, हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, और अब तो अर्जुन भी इस बात को समझते हैं। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा है कि अब वो भी यही गांव में रहकर काम करेंगे, गरीबों तक कानून को पहुंचाएंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। उसको भी रोग लग गया? माँ जरा सोचो, दवा, इंसाफ, सेहत और ऐसी जाने कितनी चीजें हैं जिन्हें पाना हम अपना बुनियादी हक समझते हैं, मगर गरीबों को तो इनके लिए भी भीख ही मांगनी पड़ती है, और फिर भी वो इनसे वंचित रह जाते हैं। किसी ना किसी को कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। ठीक है, तो तू कहती है कि इस काम में अर्जुन तेरे साथ है,
तो ऐसा कहा जा सकता है ना कि तुम दोनों के विचारों ने आपस में शादी कर ली? जी, तो असल में शादी करने में हर्ज ही क्या है? माँ, वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि जल्दी हो जाए। जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। हमारे साथ एक खास मेहमान है, एक अतरंगी, सतरंगी और मस्तरंगी एक शख्स जिनका नाम है कंडोम बाबा। बुआ जी और मुन्ना के साथ सारे सुनने वालों को कंडोम बाबा का प्रेम और स्वस्थ भरा प्रणाम। प्रणाम। आप हमारे सुनने वालों को सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम कंडोम बाबा कैसे पड़ा? ना 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 ना, ये नाम पड़ा नहीं है, स्वयं मैंने रखा है। इसकी कोई खास वजह बाबा? बुआ जी, अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, मगर कंडोम और स्वास्थ्य में गहरा कनेक्शन है। कनेक्शन? वो कैसे बाबा? सबसे बड़ी बात, ये एक गर्भ निरोधक है, मगर साथ ही साथ ये रक्षा कवच भी, जो हमें बीमारियों से बचाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो शारीरिक संबंध करने से हो सकती हैं, मगर कंडोम के इस्तेमाल से इस रोग संचार से हमें पूरी सुरक्षा मिलती है, फिर चाहे वो मियां बीबी क्यों ना हो। मियां बीबी के बीच भी? खास कर मियां बीबी के बीच, इसलिए मैंने मस्त बंदी नाम रखा है। मस्त बंदी? यानी नसबंदी का फायदा बिना नसबंदी के। समझ लो, कंडोम वो अनार है जो 100 बीमारियों को भी पूरा पड़ेगा। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई। बुआ जी, आपको तो पता है कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार लगातार जुटी हुई है इसके समाधान में, उसका भी कनेक्शन कंडोम से है। पोषण कंडोम का क्या कनेक्शन बाबा जी? हमारे देश की एक सच्चाई, हमारे लोग बड़ी तादाद में कम उम्र में शादी कर लेते हैं, खास करके महिलाएं। इसके फलस्वरूप महिलाएं कम उम्र में मां बन जाती है, जिसका शरीर पूरी तरह तैयार नहीं होता। ओ अच्छा अच्छा, पर कैसे? गणित सीधा है, हमारी बच्ची मां बनेगी तो औलाद तो कमजोर पैदा होगी ही। कुपोषण का ये बड़ा कारण है। और इसका निवारण है कंडोम। बेशक, इसलिए जैसे हम लड़कों को कहते हैं, घर बसाने से पहले अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूं, मां बनने से पहले अपने शरीर को अपने पैरों पर खड़े होना सिखाओ। बाबा, आपने इतनी सारी जानकारियां कहां से हासिल की? दरअसल मैं एक डॉक्टर हूं, घर घर में कंडोम की जानकारी फैलाने में मैंने ये बाबा का वेश धारण किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? भाई, डॉक्टर के पास बीमार आता है, मगर बाबा के पास सारे आते हैं, तो मुझे उन लोगों तक पहुंचना है जिनको कम जानकारी होने की बीमारी है। कम जानकारी? अरे बाबा, कंडोम की जानकारी किसे नहीं है? हैरान हो जाओगे मुन्ना, मेरा एक पेशेंट है, मैंने उसको कंडोम इस्तेमाल करने के लिए कहा था, क्योंकि वो और उसकी जोड़ों दोनों एक साल तक उनको औलाद नहीं चाहिए थी, और एक महीने के बाद वो रोते और चिल्लाते हुए आया कि मेरी जोड़ों पेट से है। कंडोम इस्तेमाल करने के बाद भी? जी हाँ, कंडोम इस्तेमाल करने के बाद भी। अरे नहीं नहीं बाबा,
ये तो लगभग नामुमकिन है। अरे हुआ ये, उनको पता ही नहीं था कि कॉन्डम कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अरे बुआ जी, दुनिया में इतने मासूम लोग भी हैं? बाप रे बाप। जैसे हम गांव में जाके सबको समझाते हैं, मैं कॉन्डम को अपने अंगूठे में डाल के उसको दिखाया कि कॉन्डम को ऐसे डाल के इस्तेमाल किया जाता है। लो कर लो बात, महाशय ने शारीरिक संबंध के बाद कॉन्डम तो लगाया मगर अंगूठे। बाप रे बाप, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं अंगूठे। और बच्चा हो गया वो तो नहीं था। आखिर क्या बताओ, शारीरिक संबंध के बारे में हर कोई जानता है मगर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई नहीं जानता। आधी जानकारी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खास करके महिलाएं। कोटि कोटि सावधानियों के हैं बड़े बड़े फायदे, ये हम सबको समझना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम सब बोलेंगे कंडोम बाबा की जय। दोस्तों, असली बाबा वही जो असल में सबका उद्धार करे। हाँ तो दोस्तों, ये चर्चा हम जारी रखेंगे और आगे कंडोम बाबा से फिर मिलेंगे और मस्त बंदी के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी बात पर बुआ जी और मुन्ना अब लेंगे सबकी खैर। सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। स्नेहा, जब मैंने इस हॉस्पिटल का नाम मानवता रखा था तो एक बार भी यह नहीं सोचा कि एक दिन इसी हॉस्पिटल में मेरे सामने मानवता की जीती जागती मिसाल ऐसे बैठी हो। सर आप भी, तुम जानती हो मैं सच कह रहा हूं। दो बेटे हैं मेरे, मेरा एक सपना था कि दोनों अच्छे डॉक्टर बने, सो बने, मगर 30 का होने से पहले ही दोनों अमेरिका में जा बसे। और मेरा दूसरा सपना अधूरा रह गया जिसे तुम पूरा कर रही हो। कौन सा सपना सर? देश के लिए कुछ करने का सपना, जिस नमक पर पलकर हम इस लायक बने हैं, उस नमक के कर्ज को चुकाने का। मेरा वो आदर्शवादी बेटा मुझे तुम में नजर आता है। इंसान की परख उसकी लायकी के बिना पर होनी चाहिए, फिर क्या फर्क वो औरत हो या मर्द। जी, एक डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर होता है, फिर वो कितना अच्छा डॉक्टर है ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो मर्द है या औरत। एग्जैक्टली, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मानवता को तुम्हारे नेतृत्व की सख्त जरूरत है। जी मैं कोशिश करूंगी। अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? बिल्कुल सर, डॉक्टर मैं भले ही खुद बनी हूं पर मुझे एक अच्छा डॉक्टर आपने बताया, पूछिए। तुम्हारा मानवता को लेकर क्या सपना है? और इस बार मैं सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर जैन, पिछले कुछ महीनों में मैंने एक बुनियादी समझ का एहसास किया है। मरीज के सिर्फ शरीर का इलाज करना काफी नहीं, उससे भी बदतर बीमारियां हमारे समाज में। और जो डॉक्टर जमीन से जुड़ा हुआ होता है वही ये समझ सकता है, ऐसा कह सकता है। सर हम कहते हैं कि गणतंत्र में सब एक समान है, पर सच तो ये है कि गरीबी से पिछड़ा वर्ग कोई नहीं है। ये हमारे समाज की महामारी है। एक गरीब और साधन के बीच के फासले को मिटाना गरीब के खुद के बस की बात नहीं है, और इस फासले को मिटाने की जिम्मेदारी सरकार की अकेले की नहीं, हम सबकी भी है। और सच्चा डॉक्टर वही है जो रोग और जड़ दोनों को पहचाने। जी ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं, बस एक मनोबल, एक इच्छा शक्ति चाहिए जो तुम में है, और महान से महान इच्छा भी अपने आप में निष्क्रिय है।
उसे भी एक जरिए की जरूरत होती है। और आप ये कहना चाहते हैं कि वो जरिया मानवता अस्पताल है। बिल्कुल, और इस बात का एहसास मुझे तुमने कराया है। मैंने कैसे? सोचे इस दिया, पन्ना यहां एक घिनौने हमले का शिकार बनकर आई थी। उसका इलाज करके डिस्चार्ज करके हम उसे भूल सकते थे, लेकिन तुमने उसे काम सिखाया, अपने साथ रखा, और आज आज वो गांव में आशा दीदी है। पन्ना जो सिर्फ एक वार्ड बॉय था, आज वो गांव का रेडियो स्टार है। मीना को डॉक्टरी पढ़ने की प्रेरणा, किशोर का शोर, साथिया कार्यक्रम, सत्य की अदालत, और भी लंबी लिस्ट है जो तुमने किया है। मानवता सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, एक सोच है, और इस सोच को तुमने दूर दूर तक पहुंचाया है। सर, मैं वो सब समझती हूं, पर मैं समझ सकता हूं। तुम्हारी मां चाहती है कि तुम शादी कर लो, और तुम्हें कर लेनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है अर्जुन तुम्हें काम करने से नहीं रोकेगा। नहीं सर, अर्जुन ने ना तो पहले कभी रोका है, ना वो रोकेंगे, पर इतने काम बचे हुए हैं कि हाँ, वो सब भी हो जाएंगे। देखो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं करना चाहता हूं, मैं बस यही चाहता हूं कि इस बात पर तुम गहराई से विचार करो। ये तुम्हारे शब्द है ना, हम जब साथ हो तो हर जंग में जीत भर सकते हैं, हम ये भी वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक मिनट फोन करता हूँ। अरे वाह। हेलो हेलो, कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, हम वक्त हैं, बिना बुलाए चले आते हैं, जैसे गजर समय बजाता है ना, हम झूठों को बजाते हैं। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? सर, तीन चार मांगे हैं, तसल्ली से सुनेंगे तो मजा आएगा। पहला सर ये कि जो हमारी धर्मपत्नी है ना, वो गर्भवती है, और हम नहीं चाहते कि लड़की पैदा हो। इस मामले में आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए सर, दूसरा प्रश्न, हमारा एक रईस दोस्त है जिसने अपनी कामवाली को गर्भवती कर दिया है, उसमें आपकी मदद चाहिए सर। और तीसरा एक और सवाल, हमने सुना है सर जो ढीले लोग होते हैं ना, उसमें मर्दानगी का जोश भरने का तरीका भी आपके पास है, क्या सच है? सर वैसे आपके क्लिनिक का जो मेन्यू कार्ड है ना, बड़ा दिलचस्प है। आप एक काम करो, सब चीजें एक एक प्लेट मंगा दो बस। देखिए, इस तरह के बेहुदा सवालों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर यही सवाल आईपीएस ऑफिसर आर के मडोक आपसे करेगा, तो आपको देना पड़ेगा हर सवाल का जवाब। अच्छा, तो आप हैं? जी। यहाँ क्यों हैं? आपको एक विनम्रतापूर्वक चेतावनी देने, यहाँ सब कुछ आपको पता है कि क्या चल रहा है, और आज भी पता है। देखिए, मेरे क्लिनिक के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अब कंप्लेंट हो जाएगी, हम वादा करते हैं आपसे, FIR। वैसे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, आप उतना शरीफ हैं नहीं जितने आप उस वीडियो में देखते हैं। वो वीडियो फर्जी है। ओह, मतलब दिगंबर साहब ने आपको बता के रखा है कि जब हम आए अचानक और आपसे प्रश्न करें तो आपको क्या जवाब देना है। हो गया, अब आप जा सकते। गए जी। अच्छा सर, बुरा ना माने तो एक सवाल पूछना है आपसे, दरअसल दो सवाल हैं, अगर आप जवाब देने की जहमत उठाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहला सवाल ये है कि आप वाकई में रजिस्टर्ड डिग्री धारी डॉक्टर हैं? आपको कोई शक है? क्या बात है, कमाल, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा सवाल कि जो जेल का खाना होता है ना डॉक्टर साहब, उसमें दाल सब्जी में नमक जरा कम पड़ता है, मुझे आपसे जानना ये था कि क्या
ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये नुकसानदायक होता है, बीपी पेशेंट्स के लिए। आपको बीपी है? अरे नहीं सर, हमें सिर्फ ईमानदारी का रोग है जिसका इलाज आपके पास तो कतई नहीं है। हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, हम आपका भविष्य बता रहे हैं अपनी वाणी में, और जिसके सही सटीक साबित होने पर हम दक्षिणा लेने आएंगे आपसे जेल की कोठरी में। प्रणाम। आज हमने देखा कॉन्डम बापा ने मजाकिया तरीके से कितनी बड़ी बात कह दी। अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए जितने भी तरीके हैं, कॉन्डम, गोली, आईयूडी, इंजेक्शन, ये आमतौर पर उपलब्ध हैं निशुल्क। फिर भी हम इन तरीकों के बारे में कितना कम जानते हैं। कोई भी पीएचसी या आशा दीदी या स्वास्थ्यकर्मी आपको ये जानकारी दे सकता है। आपको सिर्फ पूछना है ताकि आप फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा तरीका उचित है। तो जाइए मिलिए आशा दीदी से, या फिर पहुंच जाइए पीएचसी में। याद रखिएगा, ये आपका हक बनता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।